जनाब बशारत अली खान के सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूके बनने पर ब्रसेल्स यूके में दोस्तों की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस खुशी के मौके पर केक भी काटा गया। तकरीब में मौजूद शुरका ने राणा बशारत अली खान के सीनियर नायब सदर बनने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस हवाले से ब्रसेल्स से हमारे नुमाइंदे वसीम हाशमी की ये रिपोर्ट देखें। जिंदगी की किताब पढ़कर सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी तवज्जो अगले बाब पर होती है। आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल चलना कामयाबी की जमानत है। राणा बशारत अली खान के नायब सदर मुस्लिम लीग नून तकर्री पर जहां पाकिस्तान में राणा बशारत अली खान के चाहने वालों की तरफ से बैनर चस्पा किए गए और मुबारकबाद पेश की गई, इसी तरह बरतानिया भी उनके दोस्तों ने उनको सरप्राइज पार्टी देकर हैरान कर दिया। राणा बशारत अली खान के एजाज में दी गई इस अशिया तकरीब का एहतमाम मलक अल्ताफ मलक शफीक ने किया। इस खुशी के मौके पर केक भी काटा गया। तकरीब में मौजूद चौधरी सजाद और दीगर ने राणा बशारत अली खान को मुबारकबाद पेश करते हुए तकरीब के इनकार पर अपनी खुशी का इजहार किया। सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया है, उसकी खुशी में इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया और केक काटा गया। और हम सब भाई जितने भी यहाँ पर इकट्ठे हैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। हम इकट्ठे हुए हैं मलक अल्ताफ के घर पे, उनका प्यार और इज्जत दी है जो राणा बशारत साहब और हमारे भाई हैं कहते हैं कि जो आज इनके सीनियर वाइस चेयरमैन मुस्लिम लीग उनके बने मुख्तलिफ किए तो हम बहुत राणा साहब ने सीनियर नायब सदर बनने की मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला की और तरक्की दे। तकरीब के इख्तिताम पर राणा बशारत अली खान ने तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कम्युनिटी की खिदमात जारी रखने की यकीन दहानी भी कराई। इस तरह का एहतमाम करके और साथियों का साथ चलकर मेरे लिए बायस मसरत है और मुझे इस बात का हौसला मिलता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ या जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो सही है और इंशाल्लाह इसी तरह दोस्तों के तल्लुकात से और अपने साथियों के साथ चलने से ही मेरी कामयाबी है। इनके बगैर मेरा वजूद बेमानी है और मैं आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर और बैनर्स और एडवर्टाइजमेंट और लीफलेट के ज़रिए मुझे मुबारकबाद दी है और इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि मुझे जो ये मौका मिला है मैं अपनी कम्यूनिटी बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों का हर मुमकिन और हर तरह से तावन जारी रखूं। शुक्रिया। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। आप देखते रहे डीएमसी के न्यूज़।